हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपने मोटो जी 8 पावर लाइट एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन में आप अपने मोबाइल फ़ोन की स्टोरेज स्पेस रनिंग आउट की जो प्रॉब्लम है आप उसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ, तो चलिए यहाँ पे वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ हमारे मोबाइल फ़ोन में जो है ना स्टोरेज स्पेस रनिंग आउट की प्रॉब्लम जो है वो कैसे आती है और क्यों आती है। ठीक है, देखिए हमारे मोबाइल फ़ोन का जो इंटरनल स्टोरेज होता है ना वो लगभग फुल हो जाता है या फिर बिल्कुल ही फुल हो जाता है, तब जाके हमारे फ़ोन में स्टोरेज स्पेस रनिंग आउट की प्रॉब्लम जो है वो देखने को आती है। ठीक है ना, तो यहाँ पर जो है आपको इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले करना क्या है, देखिए आपको अपने मोबाइल फोन की ना गैलरी को ओपन करना है। ठीक है, गैलरी को ओपन कीजिए। गैलरी में से आप जितने भी फालतू की फोटो वीडियोस आपने रख रखी है वो सभी आपको परमानेंट डिलीट कर देने, खासकर आपने जो लॉन्ग वीडियोस आपने रख रखी है वो आपको सबसे पहले डिलीट कर देनी। ठीक है ना, अब दोस्तों इससे आपकी जो स्टोरेज स्पेस रनिंग आउट की जो प्रॉब्लम होती है वो सॉल्व हो जाएगी। अब इसके बाद आपको अगला काम यहाँ पे करना क्या है, देखिए आपके मोबाइल फोन में जितने भी ऐप्स हैं सभी ऐप्स को आपको रीसेट करना है। कैसे, देखिए किसी भी ऐप को आप उंगली से दबा के रखिए, एक छोटा सा पेज ओपन होता है, इस पेज में आपको ऐप इन्फो लिखा हुआ मिल जाएगा या फिर सर्कल में आई बटन बना होगा इस तरीके का, इसे टैप करना है। तो आपका ये जो है ना उस ऐप का ऐप इन्फो का पेज ओपन होगा, इस पेज में आपको स्टोरेज एंड कैच का ऑप्शन मिलता है, इसे टैप करना है। अब इसके अंदर आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, एक तो क्लियर स्टोरेज का, दूसरा क्लियर कैच का। आपको पहले इसे क्लियर कैच पे टैप करना है, तो नीचे की साइड आपका ये कैच के सामने वाला डेटा आपका जीरो हो जाएगा। अब इसके बाद आपको इसे क्लियर स्टोरेज पे टैप करना है, तो आपका ये डिलीट ऐप डेटा का पेज आएगा, इसमें आपको डिलीट पे या ओके पे टैप करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका नीचे की साइड ये यूजर डेटा के सामने वाला डेटा भी आपका जीरो हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको अपने मोबाइल फोन के सभी ऐप्स को रीसेट कर देना है, तो इससे आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। अब दोस्तों इसके बाद आपको अगला प्रोसेस यहाँ पे करना क्या है कि देखिए आपके मोबाइल फोन में काफ़ी सारे ऐसे ऐप्स होंगे ना जिनके अंदर जो है बैकअप की सेटिंग होती है, तो जिस ऐप के अंदर आपकी बैकअप की सेटिंग होगी ना उस उनमें से आपको जो है बैकअप की सेटिंग को बंद कर देना है। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल के लिए मैं आपको समझाता हूँ कि यहाँ पर मैं एग्जाम्पल के लिए अपने फोन की गैलरी को ओपन करता हूँ। इसके अंदर देखिए आपको सबसे ऊपर एक प्रोफाइल पिक्चर है, प्रोफाइल पिक्चर पर टैप करना है, तो यहाँ पर एक पेज ओपन होगा इस तरीके का। इसमें देखिए बैकअप मेरा पहले से ऑफ है, बैकअप इज ऑफ लिखा हुआ है, अगर ये बैकअप की सेटिंग चालू रहती है तो इसे बंद कर देना है। ठीक है, देखिए जिस ऐप के अंदर बैकअप की सेटिंग होगी उन सभी ऐप्स के अंदर से बैकअप की सेटिंग को बंद कर देना है। अब ये तो हो गई आपके ऐप्स की बैकअप की सेटिंग की बात। ठीक है, अब आपको बैकअप की सेटिंग कौन सी बंद करनी है, अपने मोबाइल फोन की। ठीक है, देखिए इसके लिए आपको जो है मोबाइल फोन का सेटिंग पेज ओपन करना है। सेटिंग पेज के अंदर आपको सबसे नीचे की साइड सिस्टम पे टैप करना है। अब इसके अंदर आपको ये ऑप्शन मिलता है ये बैकअप का, बैकअप ये मेरा पहले से ऑफ है, अगर ये बैकअप की सेटिंग चालू रहती है आपकी तो इसे आपको बंद कर देना है। ठीक है, देखिए दोस्तों मैं बैकअप की सेटिंग इसलिए बंद करवा रहा हूँ क्योंकि अगर बैकअप की सेटिंग हमारी चालू रहती है ना तो इससे हमारे जो फोन का जो स्टोरेज होता है वो धीरे धीरे भरता रहता है और हमारे फोन में स्टोरेज स्पेस रनिंग आउट जैसी प्रॉब्लम बार बार देखने को आती है। ठीक है ना, तो आपको बैकअप की सेटिंग को बंद कर देना है। ठीक है, अब दोस्तों इसके बाद आपको यहाँ पर जो है ना आखिरी प्रोसेस करना क्या है, देखिए आपको जो है ना अपने मोबाइल फोन को रीसेट कर देना है। आपको मोबाइल फोन को रीसेट तभी करना है जब मेरे बताए हुए पिछले प्रोसेस अगर काम नहीं करते हैं तभी आपको अपने फोन को रीसेट करना है, अदरवाइज रीसेट करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ठीक है, तो मोबाइल फोन को रीसेट करने के लिए मोबाइल फोन का सेटिंग पेज को ओपन करिए। सेटिंग पेज के अंदर आपको है ना सबसे नीचे की साइड ये ऑप्शन मिलता है सिस्टम का, सिस्टम पे टैप करना है। अब इसके अंदर आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा रीसेट ऑप्शन, इसे आपको टैप करना है। ठीक है, अब इसके अंदर आपको सबसे नीचे की साइड ये ऑप्शन मिलता है इरेज ऑल डेटा फैक्ट्री रीसेट का, तो आपको इसे फैक्ट्री रीसेट पे टैप करना है, इससे आपका मोबाइल फोन जो है रीसेट हो जाएगा और आपके फोन में जो स्टोरेज स्पेस रनिंग आउट की जो प्रॉब्लम है वो आपकी सॉल्व हो जाएगी। लेकिन आपको फोन को रीसेट करने से पहले ना दो बातों का ध्यान रखना है। पहली बात आपको यह ध्यान रखनी है कि आपके फोन में जितना भी काम का डेटा है, जो आपकी जरूरत का डेटा है, वो सिर्फ आपको वही किसी दूसरे फोन में ट्रांसफर कर लेना और फालतू का डेटा ऐसे फोन में छोड़ देना है, वो रीसेट करने से डिलीट हो जाएगा। तो दूसरी बात यह ध्यान रखनी है कि आपके फोन की जीमेल आईडी और उसका पासवर्ड आपको पहले से नोट करके रखना है। ये दो काम आपको पहले करना है, उसके बाद ही आपको अपने फोन को रीसेट करना है। तो दोस्तों ये सारे प्रोसेस आप यूज करिए तो आपके फोन में जो स्टोरेज स्पेस रनिंग आउट की जो प्रॉब्लम है वो आपकी सॉल्व हो जाएगी।